Hi guys, this is Aditi Sharma and you're watching me on Zelle Mode. It's not like an extramarital affair or anything of that sort. It is legal. It is like a marriage proper, which is allowed. Hota hai. Dua bholi si hai, pyari si, simple si ladki hai, sar pe pallu. Hum dino bahut faltu bakwas karte rehte hai. I think it's fun. It's prank to yahi karta hai Karan. Bahut tang karta hai ladka. Matlab scene ke beech mein itni tez ki azade ka ki hansi nahi rukegi. थैंक यू. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. एंड शो जैसा कि आपने प्रोमो में देखा, इट इज़ अबाउट दुआ एंड हैदर एंड उनके बीच में एक व्यक्ति आती है गजल. एंड आई थिंक इट इज़ गोना बी रियली फन टू वॉच बिकॉज ये शो में it's not like a extramarital affair or anything of that sort. It is legal. It is like a marriage proper, जो कि allowed होता है. So you know the concept is कि इस्लाम में तो चार निकाह की इजाज़त दी जाती है, तो क्या चार बीवियाँ ले आओगे? So you know, so questioning that, दुआ के point of view से she is fighting against it and talking about it logically, smartly. So I think that is the concept and I'm sure you're gonna love it. दुआ भोली सी है, प्यारी सी, सिंपल सी लड़की है, सर पे पल्लू, नाक में उसका नोज रिंग है, नोज पिन है, यू नो, पैरों में पायल. शी इज़ वेरी डिसेंट, डेलिकेट काइंड ऑफ गर्ल. बहुत ही सिंपल, नाइव है, बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी पॉजिटिव. एंड उसको पता है कि किससे कैसे डील करना है, कोई कैसे उल्टा जवाब किसी प्यार से पोलाइटली कैसे देना है. शी इज़ वेरी पोलाइट. I think I love that about her. Aditi तो बहुत चुलबुली है. Serious भी नहीं है ये. Honestly, she is fun, she is sweet, but she is not a chatterbox. You know, like Roshni. She's like, she's not that. That is Ghazal. But she's very sweet, decent, चुपचाप, प्यारी सी. You'll watch and you'll see. You'll figure out. प्रोमो में बहुत सीरियस है और ऐसा लग रहा है कि पर ऐसी नहीं है, वो बहुत प्यारी है. आप देखो. Okay, जैसे कि आपने रोशनी का नाम लिया, सब डिफरेंस है. कुछ भी सेम नहीं है. गजल और रोशनी काफ़ी सिमिलर हैं, बट दुआ और रोशनी बहुत ही अलग हैं, क्योंकि दुआ तो बहुत ही शांत और प्यारी सी है और उल्टे जवाब नहीं, शांति से रहना. उल्टे जवाब देती है भी बहुत स्मार्टली, वो ऐसे तू तड़ा करके या अपने हक के लिए मैं लड़ूंगी टाइप सारी नहीं है उतनी, वो बहुत शांत है. उसका चेंज जो फिर आप देखोगे तो वो आपको मज़ा आएगा. सुपर फन यार. करण भी बहुत फन है, ऋचा भी बहुत फन है. हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं सेट पे एंड एक दूसरे की टांगे जाई करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं हम. बहुत यार, बहुत प्यारे हैं. मतलब मुझे तो सबसे अच्छा सीन लगता है जब सब होते हैं सेट पे, तो बहुत बड़ी फैमिली हमारी, बड़े सारे हम लोग सेम एज के लोग हैं. सो आई थिंक वी हैव सो मच फन ड्यूरिंग दैट. अभी हम रील्स बना रहे हैं बट अभी पोस्ट नहीं कर सकते हैं, सो वी विल पोस्ट एंड यू विल सी एंड वी विल हैव फन. आप तीनों में से सबसे ज़्यादा इरिटेट कौन करता है एक दूसरे को? कोई भी नहीं, और तीनों ही एक दूसरे को. हम तीनों बहुत फालतू बकवास करते रहते हैं. आई थिंक इट्स फन. इट्स माय काइंड ऑफ पीपल आई हैव मेट, कि कोई लोड नहीं, मस्ती करो, चिल करो, बस आई लाइक देम. दैट्स आई लाइक देम. प्रैंक तो यही करता है करण. बहुत तंग करता है लड़का. मतलब सीन के बीच में इतनी तेज की आजाद है कि हंसी नहीं रुकेगी. ही इज़ फनी, ही इज स्वीट. लाइक एक सिंपल सा ऐसा भी करना हो तो उसको पहले धक्का देना है हमें, मतलब ज़बरदस्ती ना कुछ 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 पंगे लेता रहता है वो. तो इट्स फन. गुड क्वालिटीज़ डेफिनेटली दैट ही इज़ वेरी फनी एंड ही इज़ वेरी कम्फर्टिंग. ही इज़ लाइक, ही इज़ नॉट जजमेंटल एंड ही इज़ नॉट लाइक ये होना चाहिए वैसे होना चाहिए. इज़ नॉट अ कि ऐसे करो वैसे करो. हाँ, ही इज़ चिल्ड आउट, वेरी चिल्ड आउट. आई थिंक आई लाइक दैट अबाउट हिम. बैड क्वालिटी तो कोई नहीं लगी मुझे अभी तक, तुमने इतना जान ही नहीं. 15 दिन में 20 दिन में कितना ही बैड क्वालिटीज दिख जाएंगी.
कोई बैड क्वालिटी नहीं दिखी अभी तक तो, यानी नहीं होगी ना, 20 दिन में इंसान के अंदर कुछ बुरा नहीं दिखा तो फिर मैं प्लीज दुआ को देखें, रब से है दुआ में। मंडे टू फ्राइडे 10 PM 28 November से सिर्फ ZTV पर, प्लीज़ देखना मत भूलना। आई रियली रिक्वेस्ट यू, आई एम टेलिंग यू, आप देखोगे ना शो आपको प्यार हो जाएगा दुआ से।